जब तक हम अहंकार नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम मोह नहीं छोड़ेंगे, तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। भगवान की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक हम अपना अहंकार और अपना मोह नहीं छोड़ते। इसलिए अहंकार त्याग देना चाहिए, मोह त्याग देना चाहिए। अहंकार देखिए किस प्रकार का अहंकार लोगों का था। इस कोरोना काल में लोगों का अहंकार टूट गया कि नहीं? लोग बात नहीं करते थे आपस में, एक दूसरे से बात नहीं करते थे। जिनसे आप बात नहीं करते थे, बड़ी टसन रखते थे, आज वो व्यक्ति संसार छोड़कर चला गया। जब गया तो आपके मन में आया, राम राम, हमने क्यों उनका विरोध किया। चला गया व्यक्ति, प्यार की दो बातें कह दी होती, बात कर ली होती तो मन को तसल्ली होती। इसलिए कहता हूं, भाई भाई में विवाद था, भाई भाई में झगड़ा था, खबर आई कि भाई चला गया धरती छोड़कर भगवान के घर। अब दूसरा भाई पश्चाताप करता है, हे भगवान, जो समय था ना प्यार से बात की ना प्यार से बोले, चला गया, चला गया, अब आप पश्चाताप कर रहे हैं। इसलिए कहता हूं, किसी से द्वेष ना रखा करो, किसी से नफरत ना किया करो, किसी से घृणा ना किया करो। सब राम जी के हैं, सब भगवान हैं। इस धरती पर ईश्वर के सिवा कोई नहीं है, सब भगवान ही कर रहे हैं और सब भगवान ही करा रहे हैं। ये सारी पृथ्वी ईश्वर की है, आपके रूप में ईश्वर है, इनके रूप में ईश्वर है, स्त्री के रूप में परमात्मा है, पुरुष के रूप में परमात्मा है। जिनसे तुम झगड़ा कर रहे हो, नफरत कर रहे हो, वो ईश्वर ही तो है। इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। क्यों? क्योंकि कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस रूप में ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए। हर प्रकार से परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, हर प्रकार से ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, सब में उन्हीं का दर्शन करना चाहिए और अहंकार को तिलांजलि दे देना चाहिए। जो कहते थे मेरे बिना क्या होगा, चले गए वो, उनके बिना भी वो सब हो रहा है जो उनके होने पर होता था। इसलिए बिन भरोसे का जीवन है, क्यों बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। परमात्मा को याद कर लो, भलाई और परोपकार कर लो, ये आपका है। ये जो अहंकार इत्यादि में समय गवा रहे हो, ये सब चीजें नरक ले जाने वाली हैं। अहंकार नरक का द्वार है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर हैं, भजहूं भजहीं जेहि संत। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, काम क्रोध लोभ मोह ये सब नरक के द्वार हैं और हमें इन नरक से बचना चाहिए। अहंकार सबसे बड़ा नरक है, अहंकार ना करना चाहिए।
जिनको बड़ा अहंकार था, एक एक हिचकी में निपट रहे हैं। एक घंटे बाद क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं लेता, इसलिए अहंकार मिटा के बड़ी सादगी से जीवन जिया करो। हम ईश्वर के हैं, हम कृष्ण के हैं, कृष्ण हमारे हैं, बस। ये संसार जिसको पकड़ने के लिए हम भाग रहे हैं तुम्हारा नहीं है। अज्ञान का पर्दा हटा लो, शुतुरमुर्ग की तरह कब तक बालू में अपनी अपना सिर गवा के रखोगे, डाल के रखोगे? शुतुरमुर्ग के सामने जब बिल्ली आती है ना, तो वो अपना मुंह बालू में डाल देता है, उसकी आंखें बालू में घुस जाती हैं, उसे लगता है बिल्ली चली गई। वो अपनी आंख बंद कर लेता है, उसे लगता है बिल्ली तो दिख नहीं रही है, अब तो हम बच जाएंगे। बिल्ली सामने खड़ी है और तुमने अपनी आंख बंद कर ली, वाह। बिल्ली आती है, पकड़ लेती है, मार डालती है। उसी प्रकार आज संसार का व्यक्ति शुतुरमुर्ग बना पड़ा है, सामने सब देख रहे हैं कि किसी का रावण जैसों का अहंकार नहीं टिका, कंस जैसों का अहंकार नहीं चला, तो तुम क्यों अहंकार कर रहे हो? और तुम अहंकार कर रहे हो तो तुम अज्ञानी हुए कि नहीं? तुमने भी आंखों में पट्टी बांध रखी है गांधारी की तरह, सब कुछ है पर देखना, सच्चाई को तुम देखना ही नहीं चाहते, सत्यता को सुनना ही नहीं चाहते। जैसे विदुर जी कहते थे, धृतराष्ट्र तेरा बेटा गलत है, दुर्योधन गलत निर्णय ले रहा है, गलत कर रहा है, पर धृतराष्ट्र को तो विदुर जी की सुनना ही नहीं, सच्ची बात अच्छी लगती ही नहीं। तो क्या आप सत्यता को नकार देंगे? तो क्या आप आने वाले संकटों से बच जाएंगे? आप स्वीकार नहीं करते, अभी दिन है और आप कहेंगे रात है। आप दिन को स्वीकार ना करेंगे तो क्या आपके स्वीकार ना करने से दिन रात हो जाएगा? दिन दिन रहेगा, रात रात रहेगी। आप स्वीकार करो मत करो। अहंकार किसी का नहीं चला।